कथा आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ब्याह नहीं कर रहे थे, लेकिन कथा इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्राह्मण उन पर रीझ गया अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी तो इनसे ही ब्याही। गोस्वामी जी बोले भैया हाथ जोड़वा लो, हम ब्याह नहीं करेंगे। तो महादेव प्रकट हो गए, साक्षात देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले तुमको ये ब्याह करना पड़ेगा, अगर तुमने ये ब्याह नहीं किया तो राम जी तुमको नहीं मिल पाएंगे। तो राम जी मिलेंगे इसलिए तुलसीदास जी बोले भाई फिर तो महादेव आज्ञा कर रहे हैं, मतलब इससे अच्छी पत्नी तो नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, गोस्वामी जी का ब्याह हुआ। कुछ वर्षों बाद ही उनकी पत्नी के मोह में इतने आसक्त हो गए कि पत्नी ने ही उनको डांट दिया। कथा पूरी लंबी आती है। पत्नी ने ही जब दुत्कार दिया तुलसीदास जी को, तब तुलसीदास जी बोले इतना प्रेम मैंने राम जी से किया होता तो राज राम जी मिल जाते। तब घर बार छोड़ छाड़ करके तुलसीदास जी चित्रकूट गए, वहां जाकर रामचरितमानस लिखे, हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने राम जी से मिला। पूरी कथा जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने सोचा अगर तुलसीदास जी ने ब्याह नहीं किया होता और पत्नी उनके दुत्कारने वाली नहीं आती तो कभी राम जी नहीं मिलते।